फ्रेंड्स, मैं मालती, आपकी गार्डनर दोस्त। आज मैं आपको सिंगोनियम प्लांट की कटिंग जो मैंने पानी में लगाई हुई, आप देख रहे हैं कितने अच्छे से इसकी रूट बाउंड हो चुकी है, ये देखिए। आज मैं इसको मिट्टी में ट्रांसप्लांट करूँगी, तो उसके लिए आप देख लीजिए मुझे क्या क्या किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी। एक हमें पॉट चाहिए, जो कि अभी मेरे पास यही अवेलेबल है। आप चाहे तो इसे मिट्टी के पॉट में या सेरेमिक पॉट में या होममेड किसी भी तरह के पॉट में लगा सकते हैं। और ये कुछ मिट्टी के ठीकरे चाहिए, जो कि मटका या पुराने दिए जो घर में ओल्ड होते हैं, जिनको हम वेस्ट होते हैं, जिनको हम नहीं यूज़ करते हैं, उनको हम ले सकते हैं। और ये गार्डन सॉइल है, जितनी इस गमले में ज़रूरत रहेगी उतनी ही हम इसमें यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखिए, आप देख पा रहे हैं इसमें मैं इसको इस तरीके से डालूंगी। इसका ये वाला पार्ट है जो इस तरीके से रहे, ताकि इसमें मिट्टी वेल ड्रेन रहे। इस तरीके से आप देख लीजिए, इस तरीके से हमें इसको ऐसे टैप कर देना है ताकि मिट्टी अच्छे से इसमें बैठ जाए। ये देखिए, ये मैंने इसको 2-2.5 महीने पहले इस प्लांट को मैंने मिट्टी में लगाया था, पानी में लगाया था। अब हम इसको मिट्टी में शिफ्ट करेंगे इस तरीके से। इसका जो ये गला हुआ पार्ट है, ये हम इसको हटा देंगे। अगर हम इसको नहीं हटाएंगे तो ये और भी लीव्स को डैमेज कर सकता है। देख लीजिए आप, ये इसमें शिफ्ट हो चुका है। देख लीजिए, इसको हमें सेंटर में रख के ही शिफ्ट करना है। ये देख लीजिए कितने अच्छे से हमारा प्लांट शिफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ी सी वाटरिंग कर देंगे। वैसे तो ये मिट्टी ऑलरेडी गीली है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसमें मॉइस्चराइजर देने के लिए इसे पानी देंगे। और इस प्लांट को ट्रांसप्लांट करने के बाद मुझे इसको शेडी एरिया में रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। अगर मैं इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो इसके लीव्स ये बर्न हो जाएंगी और ये धीरे धीरे डेड हो जाएगा। अभी इसकी रूट्स अच्छी तरह मिट्टी में जब तक सेट नहीं हो जाती हैं, 7-8 दिन तक हम इसे शेडी एरिया में रखेंगे। तब इसकी रूट अच्छे से सेट हो जाएंगी, तब हम इसको सन टेम्परेचर पे डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये शेड लविंग प्लांट है। इसको हम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख सकते हैं। ये छाव ही पसंद करता है, क्योंकि इसकी पत्तियां बहुत पतली होती हैं और इस प्लांट को मॉइस्चराइजर बहुत पसंद है। हम इस प्लांट को शावरिंग करके भी इसको मॉइस्चराइजर हम दे सकते हैं। आप देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसको घर के अंदर या बाहर किसी भी तरीके से रख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।